हेलो एवरीवन, ओके अभी तक हमने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ऑन द वे टू स्कूल। ओके, सो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की प्लेस पर किसको यूज़ करते हैं हम? प्रोनाउन को। ओके, सो हियर इज लिस्ट ऑफ कॉमन प्रोनाउन। अब कॉमन प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं नाउन के प्लेस पर? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ओके, सिंगल पर्सन है, अगर किसी सिंगल पर्सन का नाम ले रहे हैं तो ही शी का यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो दे, दो लोगों की बात करें तो दे, और किसी थिंग्स की बात कर रहे तो वहाँ इट यूज़ करेंगे। ओके, और मेरे लिए, अपने लिए हम आई यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है राहुल इज़ हैप्पी। अब राहुल इज़ हैप्पी तो है हमारा सेंटेंस, बट इसको प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रोनाउन में कैसे लिखेंगे? अगर किसी पर्टिकुलर किसी का नेम है तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? ही इज़ हैप्पी। राहुल इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, मीनिंग दोनों का सेम होगा, बट नाउन के प्लेस पर हमको प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो राहुल नाउन है क्योंकि यहाँ किसी का नेम आ रहा है, तो उसकी प्लेस पर हम प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे? प्रोनाउन क्या है? ही। किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो राहुल इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी। सीता इज़ माई फ्रेंड, तो सीता क्या है? गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या यूज़ करेंगे? शी, है ना। राहुल बॉय था इसके लिए इसलिए ही यूज़ करा, सीता गर्ल है इसलिए उसका यूज़ किसका यूज़ करेंगे? शी, शी इज़ माई फ्रेंड। राजा एंड नेहा माई क्लासमेट, है ना। अब राजा एंड नेहा माई क्लासमेट, दोनों का नाम ने लेते हुए एक पॉइंट कर दिया, दे आर माई क्लासमेट, है ना। और ही शी के साथ हमेशा इज यूज़ होता है, और किसी भी टू मोर देन थिंग्स के साथ किसी का यूज़ होता है तो वहाँ आर का यूज़ होता है। ओके, तो राजा एंड नेहा आर टू आर माई क्लासमेट, तो क्या बोलेंगे हम? दे आर माई क्लासमेट। राजा एंड नेहा बोलो या दे आर माई क्लासमेट, सेम मीनिंग होगा। एन एप्पल इज़ गुड फॉर अस, है ना। तो एप्पल क्या एक थिंग है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। इट इज़ गुड फॉर अस, एन एप्पल इज़ गुड फॉर, एप्पल हमारे लिए अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर अस, मतलब यूँ भी अच्छा है हमारे लिए। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड।